नमस्कार, News 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ मिर्जा साहिब। आज हम पहुंच चुके हैं मुंडका के वार्ड नंबर 35 में और ये मुंडका की एक कॉलोनी है। यहाँ पर जो प्रत्याशी है अनिल शर्मा, निर्दलीय प्रत्याशी, उनकी रैली आज यहाँ पर वोट मांगने के लिए हर गली में पहुंच रही है और आप देख सकते हैं कि कैसे ढोल नगाड़ों के साथ लोग और समर्थक इस रैली में पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि अनिल शर्मा जी हमारे साथ हैं और उनके समर्थक भी हमारे साथ हैं और लगातार वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक प्रत्याशी जो कि मुंडका वार्ड नंबर 35 से हैं, अनिल शर्मा जी हर एक वार्ड के लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याएं जान रहे हैं और समस्याएं जानकर उनसे वोट मांगने की अपील कर रहे हैं और समस्याओं को सुनकर ये भी भरोसा दिला रहे हैं कि उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं खुद अनिल शर्मा जी हर गली में जाकर लोगों की समस्याएं जान रहे हैं और लोगों से मिलकर उनसे कह रहे हैं कि टॉर्च का बटन दबाकर उनको वोट दें, 4 तारीख को उनको वोट दें और उनको विजय बनाएं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हर गली पर जाकर निर्दलीय प्रत्याशी हैं और हर गली पर जाकर वोट की मांग कर रहे हैं और लगातार लोगों से मिल रहे हैं। सर, मुंडका की जनता आप पर कितना भरोसा कर सकती है? पूरा भरोसा करती है जी, और हमारे साथ जनता जुड़ी हुई है और आम जनता के साथ जुड़े हुए हैं जी। और जनता का पूरा समर्थन हमारे साथ है जी। और हम भारी वोटों से विजय प्राप्त कर रहे हैं जी। और जनता तहे दिल से हमारे साथ। चुनाव प्रचार अब चरम सीमा पर है, चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है, तो क्या लगता है आपको, अब कैसा रिएक्शन मिल रहा है जनता के बीच? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमारे को, बहुत खुश है जनता हमारे से और जनता कहती है कि हमारे बीच में आओ और चुनाव लड़ो। और हमारा उद्देश्य ये भी भ्रष्टाचार और गंदगी को भगाना और अपने वार्ड को सुंदर बनाना। पिछले 5 सालों में जो मौजूदा पिछले पार्षद रहे हैं उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, तो अब आप अगर जीतते हैं तो क्या क्या उम्मीद रहेगी जनता को आपसे? हम पूरी मूलभूत सुविधाएं देंगे, जिन्होंने पिछले 5 साल में काम नहीं किया हम उन कामों को पूरा करवाएंगे और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। मैम, मुंडका के वार्ड नंबर 35 की जनता अनिल शर्मा जी पर कितना भरोसा कर सकती है? भरोसा तो पहले से ही हमने जीत रखा है और लोगों ने प्रोत्साहित किया था हमें कि उठने के लिए, क्योंकि हमें एक लोग भी एक ऐसा नेता चुन रहे हैं जो उनके लिए काम कर सके, जो भरोसे लायक हो, जिसपे जो जनता है मुंडका की या 35 वार्ड की वो रिलाय कर सके कि भाई ये लोग काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस आ जाएंगे और वोट जीत कर फिर दोबारा शक्ल नहीं दिखाएंगे। तो उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया था, उन्होंने जब हमें प्रोत्साहन दिया तो हम उठे हैं कि ताकि जनता की सेवा कर सके। लेकिन आखिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? निर्दलीय इसलिए क्योंकि लोगों का जो भरोसा है वो पार्टी सिस्टम से उठ चुका है। हाँ, क्योंकि पहले जैसे आम आदमी पार्टी आई थी और जो मुंडका सीट से जो पहले जीते हुए थे उन्होंने काम बिल्कुल नहीं किया, आप देख सकते हैं ये नालियां और ये गंदगी उसका सबूत है। तो पार्टी सिस्टम से भरोसा बिल्कुल उठ चुका है। इनफैक्ट जब हम कैंपेनिंग के लिए जाते हैं तो लोग पहले पूछ लेते हैं कि भाई कहाँ से हो, कौन सी पार्टी से हो, तो यही है कि पार्टी सिस्टम जो है वो रिलाय कर ही नहीं रहे वो पार्टी पर, जो एक क्या कहते हैं, एक बहुत ही ज्यादा मॉडर्न और डेवलप्ड पॉलिटिक्स थी इंडिया के अंदर, वो अब धीरे धीरे उसकी ग्रोथ हो रही है, जहाँ पर लोग एक पार्टी लेवल को ना देखकर एक कैंडिडेट के फेस को देखकर जो है वो वोट दे रहे हैं अपना और उन्हीं के साथ जुड़ रहे हैं जो काम करने के लिए इच्छुक है और काम कर सकते हैं। तो एक ऐसा नहीं है कि कोई एक लोगो है लोगो काम करेगा, नहीं, यहाँ पर वो कैंडिडेट की छवि देख रहे हैं कि वो सच में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैम, अभी चुनाव का आखिरी वक्त चल रहा है, प्रचार का चरम सीमा पर है, तो इस पर अभी जनता का कैसा रिएक्शन मिल रहा है? अभी तो मिक्स रिएक्शन मिल रहा है, क्योंकि कहीं बाकी ऐसा नहीं है कि बस एक हम ही है कंपटीशन में बहुत है, बट जब हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखते हैं कि हम ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ दिलासा नहीं देंगे, हम काम करने सच में आएंगे, ऐसा नहीं है कि वोट मांगने आ रहे हैं पर उसके बाद हम शक्ल नहीं दिखाएंगे। मोस्टली लोग जो लोग कहते हैं कि भाई वोट मांगने आते हैं बट शक्ल नहीं दिखाते, फिर तो वो जब हम उन्हें अपने पॉइंट ऑफ व्यू समझाते हैं कि हम क्या क्या काम करेंगे,
हमारी सोच कैसी है, हम औरतों को, बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को आगे रखकर चलेंगे, तो फिर वो हमसे जो है कहीं ना कहीं उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलती है कि एटलीस्ट कोई तो एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लेकर आया है। ये नहीं है कि पहले के जो वादे हैं वही रिपीट नहीं कर रहे हैं, कुछ नई सोच लेकर आए हैं। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत आपका। अनिल शर्मा जी काफी जुझारू हैं और अपने काम के पक्के हैं, जो इन्होंने वादा किया है वो करेंगे पूरा। 6 महीने के अंदर जो बोला है कि भाई हम काम स्टार्ट कर देंगे जैसे ही जीतते हैं, और कैंडिडेट कितने नहीं है कि भाई उसको लेट लेती पेंडिंग रखेंगे, तो बटन पे 4 तारीख को, आने वाली 4 तारीख को टॉर्च के बटन पे अपना मोहर लगाएं, बटन दबाएं और उसको अनिल शर्मा जी को विजयी बनाएं। अनिल शर्मा जो कि मुंडका वार्ड नंबर 35 से प्रत्याशी हैं, आपको मैं बता दूं अनिल शर्मा की जो पदयात्रा है वो मुंडका गांव में है और लगातार वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो टॉर्च का बटन दबाकर उनको विजयी बनाएं। और ऐसे ही अनिल शर्मा की जो यात्रा है पदयात्रा वो चलती रहेगी, क्योंकि अभी वोटिंग को 2 दिन बाकी हैं, ऐसे ही यात्रा चलती रहेगी और लगातार लोगों से वोट मांगने की अपील करते रहेंगे अनिल शर्मा जी और लोगों की समस्याएं जानते रहेंगे। कैमरामैन निखिल के साथ मैं मिर्जा साहिल बेग, न्यूज़ 44 दिल्ली।